Now students, we will learn about the concept image formation by a concave mirror. किस तरह से concave mirror image form करता है उसको हम देखेंगे, different cases लेके देखेंगे कि concave mirror जो है किस तरह से image form करता है. आपको recall क्या करना पड़ेगा, वो जो rules बताए थे कि image formation के rules क्या होते, कौन कौन सी light ray हम लेते हैं, थोड़ा सा recall कराते हैं. एक लाइट रे लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक लाइट रे लेते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे, दूसरी लाइट रे लेते हैं फोकस से जो पास करे, या तीसरी नेक्स्ट जो लाइट रे है वो पोल पे भी इंसिडेंट हम करा सकते हैं. इनमें से कोई दो लाइट रे हमें लेनी है, उसको इंसिडेंट रे मानना है. उसके बाद जो रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पे ये लाइट रेस मीट करेंगी वहीं पे उस ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी. ठीक है, तो मेनली दो लाइट रेस की जरूरत पड़ती है, दो या दो से ज्यादा, दो काफी है. ठीक है, तो हम डिफरेंट केसेस देखेंगे. ये सारे जो केसेस हैं वो कॉनकेव मिरर के केसेस हैं. ठीक है, तो क्या क्या केसेस हैं एक एक करके हम डिस्कस करते हैं इसको. फर्स्ट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी. ऑब्जेक्ट को हमने इंफिनिटी पे रखा, मतलब बहुत दूर रखा हुआ है. तो हम ऐसा मानते हैं कि जो लाइट रेज आ रही हैं दूर से या इंफिनिटी से, वो पैरेलल लाइट रेज है प्रिंसिपल एक्सिस के. ठीक है, तो वो पैरेलल लाइट रेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस की, जो पैरेलल लाइट रेज है वो कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट होंगे. तो उनका क्या होता है, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस पे मीट करते हैं. तो सारी पैरेलल लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद कन्वर्ज हो जाएंगी फोकस पॉइंट पे. तो सारी लाइट रेज वहीं मीट कर रही हैं, तो इमेज भी कहां बनेगी, फोकस पे बनेगी. ठीक है, अब फोकस पे एग्जैक्टली बनेगी इसलिए वो पॉइंट साइज इमेज होगी. ठीक है, और भी इसके नेचर के बारे में हम समझेंगे, लेकिन ये फर्स्ट केस है कि हमने ऑब्जेक्ट को जो है इंफिनिटी पे रखा है. अब नेक्स्ट जो केसेस रहेंगे उसमें हम ऑब्जेक्ट को पास लाते जाएंगे. ठीक है, जैसे कि अगला केस है ये जो ऑब्जेक्ट है हमने इंफिनिटी से पास रखा है, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है सी उसके बियॉन्ड रखा है. ठीक है, तो आप देख सकते हो इसे इमेज में पहली लाइट रे जो है पैरेलल वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हो गई, सेकेंड लाइट रे हमने ली सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए वो रिवर्स बैक हो गई, और ये दोनों जो है मीट कर रहे हैं पॉइंट ए डैश पे, तो इमेज बन गई ए डैश बी डैश. ऑब्जेक्ट हो गया ए बी और इमेज बन गई ए डैश बी डैश, जिसकी पोजीशन है सी और एफ के बीच में. ये देख सकते हो सी और एफ के बीच में इमेज बन गई ए डैश बी डैश. कैसी इमेज है देख सकते हो, ये ऑब्जेक्ट है ए बी और ये इमेज है ए डैश बी डैश. इमेज छोटी बनी है, वो भी इन्वर्टेड है. ठीक है, ये इनकी नेचर हो गई इमेज की, उल्टी भी बनी है और मिरर के पहले बन रही है और एक्चुअल में लाइट रेज मीट करके बन रही है, तो ऐसी इमेज कहलाती है रियल इमेज. रियल एंड इन्वर्टेड इमेज एंड स्मॉलर इन साइज. पोजिशन क्या है, सी और एफ के बीच में, एग्जैक्ट मिड पॉइंट नहीं, सी और एफ के बीच में कहीं भी लाई करेगी. और ऑब्जेक्ट हमने कहा रखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड, इंफिनिटी से पहले. ठीक है, नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट को हमने और पास ले आए, पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड था, अब एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा. ठीक है, तो पहली लाइट रे जो है ये एडी वो पैरेलल है, रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास हो गई, सेकेंड लाइट रे जो है फोकस से पास होके आ रही है एई राइट, और वो रिफ्लेक्ट हो गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ये दोनों लाइट रेज जो है रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कौन कौन सी है, डी ए डैश एंड ई ए डैश राइट, डी ए डैश एंड ई ए डैश, ये मीट कर रहे हैं ए डैश पे, तो जो है इमेज बन गई ए डैश पे. ठीक है, इस इमेज पे अगर हम ध्यान से देखें तो देखो कहां बन रही है इमेज, सी पे ही बन रही है. इमेज का नाम है ए डैश बी डैश, जो कि सी पे ही बन रहा है,
और साइज जो है वो भी सेम है एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो नेचर क्या हो गया इसका, अगेन एक्चुअली लाइट रेज मीट कर रही है, इसलिए रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज एंड सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम और बात करते हैं। अब जो है हमने जो है ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी आगे रखा और फोकस के बीच में रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखा, मतलब ये देखिए ऑब्जेक्ट है ए बी सी और एफ के बीच में। इसमें इस केस में क्या हुआ, ए से पहले लाइट रे निकली ए ई, जो कि एक्चुअल में लग रहा है सी से आ रही है, तो उसने रिवर्स बैक कर लिया अपना पाथ, राइट। एंड देन नेक्स्ट पैरेलल लाइट रे लिया हमने ए डी, जो कि रिफ्लेक्ट होके एफ से पास होगी। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज, एक है रिफ्लेक्टेड रे ई ए डैश और दूसरी है डी ए डैश, ये मीट कर रही है ए डैश पे, तो जो इमेज है वो बन गई ए डैश डी डैश, जो कि दूर बन रही है, किसके ऑब्जेक्ट से दूर बन रही है। एग्जैक्ट पोजीशन अगर बोले तो इसकी इमेज की पोजीशन है बियॉन्ड सी और बड़ी भी बन रही है। तो क्या नेचर हुआ इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि एक्चुअली लाइट रेस मीट कर रही है, रियल एंड इन्वर्टेड एंड बिगर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, और पोजीशन क्या है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट पोजीशन और हम पास लेके आते हैं ऑब्जेक्ट को, और इस बार हमने फोकस पे ही रख दिया ऑब्जेक्ट। ठीक है, फोकस पे रखने के बाद पहली लाइट रे हमने ली ए ई, जो कि ऐसा लग रहा है सी से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद रिवर्स हो गया उसका पाथ। सेकेंड लाइट रे हमने ली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ए डी, ए डी वाली जो लाइट रे है रिफ्लेक्ट के फोकस से ही पास हो गई। ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, अगर हम देखें ये मीट नहीं कर रही हैं, ये आपस में पैरेलल हैं, तो हम ऐसा मानते हैं ये पैरेलल लाइट रेज जाके इंफिनिटी पे मीट करेंगी। कहां पे, इंफिनिटी, तो इमेज भी जो है इंफिनिटी पे ही बनेगी। ठीक है, और पिछले केस में हमने देखा था इमेज की साइज बड़ी हो रही थी, तो जब इन्फिनिटी पे जाके इमेज बनेगी तो और ज्यादा बड़ी होगी, तो ऐसा मानेंगे बहुत बड़ी इमेज बनेगी, वो भी कैसी, रियल एंड इन्वर्टेड एंड वेरी वेरी बिग इन साइज। पोजीशन कहाँ रहेगी, इन्फिनिटी पे होगी, तो इन्फिनिटी हम यहाँ बना नहीं सकते, तो ऐसा मानेंगे जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनेगी, वेरी बिगर इन साइज एंड रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब एक लास्ट केस है, ऑब्जेक्ट को हमने जो है और पास लेके आए कॉनकेव मिरर के, इस बार फोकस और पोल के बीच में रखा। सेम तरीके से पहली लाइट रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा के ली, वो रिफ्लेक्ट हो गई, रिवर्स बैक हो गई। सेकेंड लाइट रे जो है फोकस से पास नहीं कर सकते, तो हमने ऑब्लिकली लिया एपी, ठीक है, पोल पे इंसिडेंट कराया, तो वो ऑब्लिकली रिफ्लेक्ट हो गई, मेकिंग इक्वल एंगल्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस। और इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेस को अगर हम देखें, ये है रिफ्लेक्टेड रेस कौन कौन सी, वन मिनट, ई से लेके सी तक है रिफ्लेक्टेड रे और पी से लेके इस साइड जा रही है, वो भी डाइवर्ज हो रही है लाइट रेस तरह से। तो पैरेलल लाइट रेस तो हम मानते हैं इन्फिनिटी पे जाके मीट करेंगे, लेकिन ऐसी डाइवर्ज लाइट रे तो मीट ही नहीं करेंगे उस साइड जाके, बल्कि इन डाइवर्ज रिफ्लेक्टेड रेस को अगर हम आगे की तरफ एक्सटेंड करें तो ये मीट हो जाएंगे। तो कहां मीट हो रही है, देखो ये रिफ्लेक्टेड रेज जो है डाइवर्ज करने पे, आगे की तरफ एक्सटेंड करने पे ए डैश पे जाके मीट हो रही है। ठीक है, ए डैश पे जब वो मीट हो रही है तो इमेज भी कहां बनेगी, ए डैश बी डैश पे बनेगी इमेज। अब इस बार लेकिन क्या है, मिरर के पीछे बन रही है, क्योंकि वो जो रिफ्लेक्टेड रेज है डाइवर्जिंग निकल रही है, तो हमने पीछे की तरफ क्या किया, उनको एक्सटेंड किया, तो इमेज जो है यहां बन गई, ये है इमेज ए डैश बी डैश मिरर के पीछे। तो एक्सटेंड करने पे लाइट रेस मीट कर रही है, तो ये जो इमेज है वो रियल नहीं कहलाएगी, वर्चुअल इमेज कहलाएगी।
और आप देख सकते हो सीधी इमेज है, उल्टी नहीं है, मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन क्या हुई? बिहाइंड द मिरर हुई। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस हमने देखे कॉनकेव मिरर के केस पे, कि अलग अलग पोजीशन में ऑब्जेक्ट को रखने पे कैसी उन्होंने इमेज बनाई और कहां उन्होंने इमेज बनाई। इसको हम समराइज भी कर सकते हैं, जैसे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमने रखा इन्फिनिटी पे, तो इमेज की पोजीशन बनी फोकस पे। ठीक है, साइज क्या था? हाईली डिमिनिश, मतलब वेरी वेरी स्मॉल साइज या पॉइंट साइज। ठीक है, और नेचर क्या है? एक्चुअल में लाइट रेस मीट कर रही है, इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड। पॉइंट साइज से लेकिन पता नहीं चलेगा कि वो रियल इन्वर्टेड है या नहीं, लेकिन फिर भी मानेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। सेकेंड पोजिशन थी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज बनी बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी स्मॉलर इन साइज मतलब डिमिनिश्ड। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि लाइट रेस एक्चुअल में मीट करती है रिफ्लेक्टेड वाली। तो नेक्स्ट पोजीशन है एट सी, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी। साइज क्या है? सेम साइज। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच पे रखने पे बियॉन्ड सी बनी इमेज, और बड़ी साइज पे बनी, एनलार्ज्ड बनी, लेकिन अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। ये स्पेशल केस था फोकस पे रखने पे, लाइट रेस एक्चुअली मीट नहीं कर रही थी, हमने माना कि वो इन्फिनिटी पे जाके मीट करेंगी, इसलिए इमेज कहां बनी? एट इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे जाके बनेंगी वो मीट करेंगी लाइट रेस, इसका मतलब इमेज ही बहुत बड़ी बनेगी, हाईली एनलार्ज्ड। ठीक है, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड ही होगी। लास्ट है स्पेशल केस जब हमने पोल और फोकस के बीच में रखा, बिटवीन पोल एंड फोकस, तो इमेज बिहाइंड द मिरर बनी, वो भी डाइवर्जिंग लाइट रेस को एक्सटेंड करने पे, राइट। वो इमेज भी कैसी बनी? बड़ी बनी, एनलार्ज्ड बनी, और एक्चुअल में लाइट रेस मीट नहीं करी, एक्सटेंड करा के मीट कराया हमने उनको, इसलिए कैसी इमेज है वो? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये था नेचर एंड पोजिशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिफरेंट पोजिशंस।